पासों तसा कीर्तन सरवण कीता हुण बाबा रविंदर सिंह जी जोनी तखान वध वाले ये कहिंदे सानू पंज क मिनट विचार जी दे दिओ बाकी समा जिस तरह फेर होवेगा फेर लावांगे पंज क मिनट जोनी जी ला रहे हैं उन्हां तों बाद सतनाम परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जी गज वज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी दास तो पहला सियाड़ वाले महापुरखां दा जत्था धारना पढ़ी साध की महिमा वेद ना जाने जेता सुने तेता बखियाने प्रमुखो संत दी जड़ी महिमा है वो वेदां तो न्यारी है एक बेनती करके धारना पढ़ के ते समाप्ति क्योंकि साडा टाइम है जेड़ा वो संत बाबा सुखदेव सिंह जी महापुरखां दे नाल कट्ठिया ही हुंदा है वाजियां ते कट्ठे ही बह के आत्म रस कीर्तन हुंदा है ते आओ मैं पांच क मिनट दी हाजरी कोई विद्वान सी बहुत विद्वान ओ बैठा अपने ग्रंथां नू अपनिया किताबां नू धुप लवा रहा सी ते कोई संत लंघे उत्थों संत कहिंदे उस विद्वान वल वेख के ते उहदियां किताबां वल वेख के कहिंदे ऐ आलम फाजल ये सब क्या है आ की है ते ओ ज्ञानी सी जिहड़ा विद्वान सी ओ विद्वान जिहड़ा ओ हंकार दे विच विद्या दे मान विच कहिंदा जाओ जाओ आपको इसका इलम नहीं है जाओ जाओ आपको इसका इलम नहीं है संत गान उतर पे थोड़ा जा अगे तुरे ते उहदे ग्रंथां विचों धुआं निकल लग पिया अग पै गई आप ही देखिया भी अग किवें पै गई भज्जिया आया संतां कोल कहिंदा बाबा ये सब क्या है ते संत कहिंदे जाओ जाओ आपको इसका इलम नहीं साध की महिमा वेद ना जाने जे किसे ने कूड़ा कट्ठा करके छत तो थले सटिया ना संत
तुरे जा रहे से उन्हां दा चोला लिबड़ गया, जामा मेला हो गया। ते महापुरखां ने उपर वेख के क्या कहंदे, ऐ पगली, क्या दीवानी पगली हो गई है, ते तुझे दिखाई नहीं देता। एक साधु की लिबास मैली कर दी, कहंदे ओ बीबी, कहंदी इत्थे ही रुक जा, मेरा घर वाला आएगा ते तेनू दसदा किवें बोली दा। ते घर वाले नू भेजिया, घर वाला उपरों पौड़ियां उतरिया ते आया ते संत नू कुटिया मारिया घड़ीसिया लहू लुहान कर दिता। ते जदों मार कुट के भज्जन लग्या उपर नू, सब तो सिरे दी पौड़ी ते पहुंचिया ते उत्थों पैर तिलक गया, एहो जा डिग्गिया कि डिगदियां सार जान ही निकल गई उहदी। आखो श्री वाहिगुरू, वाहिगुरू। डिगदियां सार मर गया। बीबी कहिंदी ओ बाबा जी बख्श लो, बख्श लो, ये तो सचमुच जान तो ही मर गया है, एदी मौत हो गई। महापुरख पता है की कहिंदे, खसमां वालियां नू सदा माण हुंदा है। तेनू तेरे खसम ते माण सी, मैनू मेरे खसम ते माण सी। सत श्री अकाल। जदों तेरा खसम आया मैनू मार मुका गया, भाव की इहनू मार के सुट गया सी मैनू, ये तो मेरे मालक ने मैनू रखिया। कहिंदे तेरा खसम आया मैनू मार मुका गया, पर कहिंदे जदों मेरा खसम आया वह मुद्दा ही मुका गया। वो आया ते कहिंदा भी अज तो बाद फिर किसे संत ते हाथ नहीं चुकेगा। तो अज धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी की याद, 100 साल बाबा ईश्वर सिंह जिया का, आओ धारना पढ़ के ते समाप्ति है। धारना दे बोल सुन लो, साडा तू ही मला साइया, साडा तू ही मला साइया, बेड़ी भरी औगणा दी आके पार लंघा साइया। सारे गज के गूंजा पा दियो भाई, माइक च ना बोलन, सारी संगत गज के बोले, बगैर माइक तो बोलन का यतन करो सारे। साडा तू ही मला साइया, साडा तू ही मला साइया, बेड़ी परी औगणा दी आके पार लंघा साइया, बेड़ी परी औगणा दी आके पार लंघा साइया। साडा जा साइया, इता प्रेम
ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਓ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਨੀ ਤਖਾਣ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸਾਂ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਈ ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ ਪਾਸ ਸਿਮਰਨ ਲਿਖਵਾਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ ਮਿੰਟਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸਿਮਰਨ ਲਿਖਵਾਓ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ
संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज महापुरख नानक सर वाले तिना महापुरशां दा 100 साल जन्म दिहाड़ा बड़े प्यार श्रद्धा सत्कार सहित संत बाबा सुखदेव सिंह जी पुचो वाले महापुरख तिना महापुरशां दे विशेष उदम सदका आपां इस विशेष दीवान विच हाजरियां भर रहे हां। साध संगत आओ बड़े प्यार सहित कुछ कहन तो पहला स्टेज ते महापुरशां तो इलावा साडे सिख पंथ दीआं महान शख्सियतां सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब और सिंह साहिब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी हैड ग्रंथी श्री दरबार साहिब वो भी उचेचे तौर पर आप जी के दर्शन दीदारी करने वास्ते पहुंचे। जी आया कुछ कहन तो पहला प्यार सहित फतेह प्रवान करना गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अमृतमय बाणी नूं जदों असी पाठ करदे हां जां श्रवण करदे हां तां गरीब नवाज पातशाह जी ने जिथे नाम जपन लई सानू वार वार उपदेश बख्शिश कीता है, जिथे सानू सेवा करन वास्ते वार वार उपदेश बख्शिश कीता है, उथे गरीब नवाज पातशाह महाराज जी ने महापुरशां दी संगत जेड़े नाम दे रंग विच रंगे ने बंदगी करन वाले ने उना बंदगी करन वालियां दी संगत करन लई भी सानू प्रेरित कीता। आपां भगत कबीर साहिब जी दे बचन पढ़िए, कुछ बेनतियां करके समाप्ति करांगा क्योंकि बहुत ही विद्वान पुरुष महापुरुष और रागी सिंह आप जी दे दर्शन दीदारी करन वास्ते पहुंचे। भगत कबीर साहब जी ने वचन किया, कह लगे ऐ मनुख एक सिख्या अपने जीवन विच धारण करके रखी, बई जिन्ना ने अपनी जिंदगी विच कदी नाम सुनिया नहीं नाम गाया नहीं उनां दी संगत तो बच के रहन। हर जस सुने ना हर गुण गावह, बातन ही असमान गरावह, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा दिराने रही। भगत जी कहिंदे जिन्ना नू रब ने भगती तो विहूणा कर दिता है तू ना पुरशां दी संगत ना करी। सवाल कीता जे उना दी संगत हो गई नुकसान की होवेगा, ता भगत जी ने जवाब दिता कह लगे आप गए औरन हूं कालें, अपने जीवन दा बेड़ा ते उना ने डोब दिता ते जेड़ा संगत करेगा कह लगे उहदे जीवन विच भी कदी टिका और शांति नहीं आ सके। उस दे मुकाबले ते गरीब नवाज पातशाह जी ने सिख ने पुछया पर संगत किदी करां, ता हजूर ने जवाब दिता भगत कबीर साहब जी दे बचना राही कह लगे कबीर साधु की संगत रहो ज्यों की भूसी खाऊं, होन हार सो होए है साकत संग ना जाऊं। कह लगे भावे मैनू बड़े सीधे पदरे प्रसाद पानी ते गुजारा करना पवे पर मैं सतपुरश की संगत करदिया
ये माण महसूस करांगा कि शरीर दा ते भावें सादे भोजन नाल तृप्ति हो गई, पर मैनू जो कुछ अध्यात्मक जो कुछ आत्मक आनंद एक महापुरुष की संगत तो मिलिया है, ये एक बहुत वड्डा लाहेवंद मेरे वास्ते सौदा है। और गुरु के स्वार ध्यान देना, पुराने सिख जदों अरदास करते सन ते उन्होंने इस अरदास दे ए बोल सन नाम दा रंग, दूसरा बचन साध दा संग, और तीसरा बचन है निश्चा अपंग। अपंग दा मतलब है जेड़ा भरोसा जेड़ा विश्वास भजे ना, कच्चा ना पवे ढिला ना पवे। नाम दा रंग गुरु के सवारो परमेश्वर बख्शे, और उस परमेश्वर दे नाम दे रंग नू सदा बरकरार रखन वास्ते महापुरुष की संगत अत जरूरी है। भाई साहब आईवीर सिंह साहब ने बड़े प्यारे बचन कहने, कई बारी आप जी वर्गियां संगतां नाल वो बचन सांझे कीते ने, फिर आप जी नाल बेनती सांझी करदे आं। महापुरुष की जिंदगी महापुरुष की संगत मनुखी जिंदगी विच अत जरूरी। भाई साहब कहिंदे नाम जपण दा चा चढ़िया मालक ने बख्शिश कीते। एक दिन परिक्रमा विच तुरदिया एक रंग रतड़ी रूह उन्हां नाल संगत हो गई। कह लगे मैं उन्हां नूं बेनती की कि अंदर दा आनंद अंदर दा सुख अंदर दा खेड़ा प्राप्त करन दा की ढंग है। उन्हां महापुरशां ने आख्या धन गुरु रामदास सचे पातशाह जी दे दरबार विच आए, तू जाके अरदास कर सतगुरु बख्शिश कर देणगे। कह लगे सतगुरां दे चरणां विच जोदड़ी कीती, धन गुरु रामदास सचे पातशाह जी ने इन्ना अंदर दा खेड़ा बख्शिया इन्ना अंदर दा आनंद बख्शिया कि कुछ क्या ना जावे। कहन लगे कुछ दिनों बाद अंदर दा सुख अंदर दा खेड़ा समाप्त हो गया। महापुरशां नूं पुछया अंदर दा आनंद समाप्त हो गया अंदर दा खेड़ा समाप्त हो गया की कारण। कहन लगे घर बैठ के नाम जपया कर। मैं बेनती कर रहा ध्यान नाल दास की बेनती श्रवण करना, संत दी संगत महापुरुष दी संगत किमें गुरु के सवारो बरीकियां गुरु चरणा दियां सानू दृढ़ कराउंदी। कहन लगे मैं घर बैठ के नाम जपन लग पिया, खेड़ा फिर आनंद फिर आ गया। कुछ दिनों बाद वह भी आनंद समाप्त। महापुरशां तो पुछया खेड़ा आया सी कुछ दिनों बाद फिर चला गया। मैनू कहन लगे महापुरशां ने आख्या नाम कित्थे जपना आख्या तू घर बैठ के। कह लगे तेनू किने किया तू गुरु साहब जी दे दरबार गुरु रामदास पातशाह जी दे चरणा विच आके जपया कर दरबार सब आया कर। कह लगे मैं सवाल खड़ा कर दिता महापुरशो पहला उथे आनंद बनिया तू तुसा क्या घर बैठ के नाम जपो घर आनंद बनिया फिर खेड़ा समाप्त होया तुसा आखिया सतगुरां दे दरबार विच हाजरी भरो कारण की। उन्होंने बड़े प्यारे बचन कहे, कह लगे ऐ भोलिया सब कुछ देन वाले धन गुरु रामदास सचे पातशाह जी ने, इवें नहीं सत्ते बलवंड ने कह दिता तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवार। कह लगे सब कुछ गुरु रामदास सचे पातशाह जी देन वाले ने। कह लगे पर इथे आ के तेनू आनंद मिल गया ते आनंद फिक्का एक दिन तां पै गया क्योंकि तेरे मन में फुरना आ गया कि ये जेड़े पुल ते नमस्कार करन जा रहे ने बड़िया वडेरिया उमरां दे लोग ने
साड़ी ते इस भर जवानी विच ही आनंद सतगुरां ने बख्शिया, इन्हां दा पता नहीं समा कदों आएगा। कहन लगे उस सूखम होमे ने उस खेड़े नूं पासे कीता, ए नहीं भुलना चाहिदा कि गुरु रामदास समर्थ ने ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇੜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੀਏ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਪਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਸ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉਂ ਤੋੜ ਟੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਓਏ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉਂ ਕਰ ਦੋਸਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਸੰਪਟ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ 24-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਸੰਪਟ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰੋਸ ਆਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਪ ਤਪ 26 ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਪੂਰਣਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਪ ਤਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਰੋਲ
जिथे बाबा जी की जन्म शताब्दी की समर्पित अरदास हुई है उत्थे सरबत दे भले की अरदास हुई है। लुधियाना शहर की संगत भागा वाली है जो संप्रदाय नानकसर कलेरां और पुच्छो कलां दोनों अस्थाना वालों ये 26 रोजा महान जप तप समागम जो 1 सितंबर तो आरंभ होया सी जो अज संपन्नता की समाप्ति की रैण सवाई कीर्तन में आप जुड़ बैठे हाँ, जिथे संप्रदाय नानकसर कलेरां और डेरा रूमी पुच्छे कलां वालों ये समागम आरंभिया गया उत्थे बहुत ही सत्कारयोग सिख कौम की महान शख्सियत जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी और सत्कारयोग सचखंड श्री हरिमंदर साहब के हेड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी जिहड़े उचेचे तौर पर दसरियां की बेनती मन के पहुंचे ने उत्थे ही नाल जिन्हां महापुरखों ने महान उपराला किया है सत्कारयोग संत बाबा हरभजन सिंह जी मुख सेवादार नानकसर कलेरां संत बाबा सुखदेव सिंह जी डेरा रूमी पुच्छो कलां वाले संत बाबा गुरमेल सिंह जी नानकसर कलेरां संत बाबा धन्ना सिंह जी नानकसर बड़ूंदी संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वाले सियाड़ वाले महापुरखों वालों गुरमुख प्यारे ग्रंथी जी होर बेअंत गुरु के कीर्तनिए जाड़े इस स्टेज पर बैठे ने तो दास सत्कारयोग बाबा जसवंत सिंह जी समराला चौंक वाले जिथे बेअंत महापुरख सिंह साहबान रागी साहबान पहुंचे ने उत्थे बाबा जी दे घर दे अथाह संगी जिन्हां नूं राजनीतिक रुतबे मिले ने वह भी बाबा जी दे प्यार विच बैठे ने सत्कारयोग सरदार महेशिंद्र सिंह जी गरेवाल सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल सरदार अमरजीत सिंह जी चावला सारे गुरमुख प्यारे तो बेनती है सारे पाठी सिंह इस तरह सतगुरु की हजूरी विच जिहड़े गुरमुख प्यारे पाठां की सेवा करके आए ने गुरमुखो इत्थे ही साजा खलो जाओ सारे अद्धे इस तरह अद्धे इस पासे अद्धे इस पासे तो सारे ही सत्कारयोग सिंह साहबान महापुरख इस स्टेज वालों सारे ही महापुरखा सिंह साहबाना जी आया जी आया जी आया जिन्होंने अज इस संपन्नता के समय से समागम की समाप्ति की रैण सुवाई दे दर्शन दिते ने नानकसर संपर्दा और डेरा रूमी पुच्छो कलां वालों उन्हां दोनों ही सिंह साहबाना जी आया बेनती है इत्थे बैठ जाओ गुरमुख प्यारे इत्थे बैठ जाओ हाँ जिथे